बात करेंगे उस ईंट के बारे में जिससे बनेगा स्पेस घर। धरती पर अगर आपको घर बनाना हो तो सामान्य ईंटों से बन जाता है, लेकिन अगर स्पेस में यानी कि चांद पर या मंगल पर आपको अपना घर बनाना हो तो वो ईंट कैसी होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, ये दोनों मिलकर इस तरह की ईंट बना रहे हैं। ये एक स्पेशल ईंट है जिसे कह रहे हैं स्पेस ब्रिक। क्या है ये चीज, कैसे बनाई जा रही है, और जो ईंट धरती पर बन रही है उसे अंतरिक्ष में चांद पर मंगल पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, यहां से ईंट लेकर कैसे जाएंगे इतनी दूर, इन सारे पहलुओं पर मैंने बात की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक कुमार जी से। तो आइए उन्हें साइंस कॉल करते हैं और उनसे इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वेलकम आलोक। थैंक्स नेहा, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू, बिकॉज आप लोग स्पेस ब्रिक बना रहे हैं। सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि स्पेस पे घर बनेगा और उसके लिए ईंटें हम बनाना तैयार कर चुके हैं। मल्टी प्लेनेटरी सभ्यता को हम अपना फ्यूचर मानते हैं, जितने भी स्पेस के जानकार हैं वो इस तरफ ही हमारा जो ध्यान है उस ओर ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मल्टी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन। उसमें स्पेस ब्रिक जो है एक अहम भूमिका निभाएगा। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी तरफ से जो ये आप लोगों ने किया है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें कि ये क्या है, कैसे बना और क्या क्या हुआ, क्या रिसर्च हुई, इससे पहले आप हमें ये समझाएं कि इसका मकसद क्या है। तो नेहा जी, इसका मकसद बहुत सिंपल है। जब अब हम उस दौर पे आ चुके हैं जहां पे हम उस युग के प्रवेश द्वार पे हैं कि द नेक्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स चंद्रमा पे मंगल पे अब बनने वाले हैं, और अब जब ये बनने वाले हैं, अब ये कल्पना मात्र नहीं है, अब ये लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इस पे प्राइवेट कंपनीज भी आ चुकी हैं, यूएसए जैसे राष्ट्र तो रिसर्च कर ही रहे हैं, अब भारत में इसरो भी इस पर रिसर्च करना चाहता है, हमारा चंद्रयान जा चुका है, एंड समटाइम इन द फ्यूचर ह्यूमंस फ्रॉम इंडिया होपफुली विल ऑल्सो गो। तो जब ये जाएंगे देन अगर इन्हें स्थायी रूप से वहां रहना है तो दे नीड अ हाउस, दे नीड अ प्लेस जहां पे वो रह सके, तो एक निवास स्थान चाहिए। अब ऐसे निवास स्थान का आप निर्माण कैसे करेंगे, हाउ विल यू बिल्ड इट, तो इसका बट सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन, तो लेट अस आस्क दैट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ। जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम अपना घर का निर्माण कैसे करते हैं, ईंटों से करते हैं, तो ऐसी ही ईंट हमें हमें जरूरत पड़ेगी चंद्रमा पर। तो हमने रिसर्च के लिए अपने से यही क्वेश्चन किया कि कैन वी मेक ब्रिक्स विच विल यूटिलाइज लूनर मटेरियल एंड लूनर सैंड एंड लूनर लूनर मिट्टी। चंद्रमा की आपके पास क्या लूनर मिट्टी है, चांद की मिट्टी आपके पास जिससे आप ये ब्रिक बना रहे हैं? हमारे पास चांद की मिट्टी तो नहीं है, चांद की मिट्टी बहुत ही कम देशों के पास है और बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक नासा या इवन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानी स्पेस एजेंसी एंड इसरो, ये लूनर मिट्टी का यूज नहीं करती, दे यूज समथिंग कॉल्ड द लूनर सॉयल सिमुलेंट। तो ये एक ऐसी मिट्टी है जो पृथ्वी पे ही बनाई गई है, लेकिन इसे लैबोरेटरी में ऐसे बनाया गया है ताकि इसका जो ये चंद्रमा की एक्चुअल मिट्टी से बहुत मेल जोल खाती है। तो इसका कॉम्पोजिशन इज वेरी सिमिलर, क्लोज टू लेट्स 99.6% के आसपास ऑफ द लूनर सॉइल। तो लैब में इसे यूज किया जाता है एज अ सिमुलेंट और एज अ मॉक लूनर सॉइल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो यूज्ड, इट इज पेटेंटेड बाय इसरो एट द मोमेंट। ग्रेट। और ये जो ब्रिक आप बना रहे हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तो आपने कहा कि ये मिट्टी आप बना रहे हैं, तो कैसे ये मिट्टी बन रही है यहाँ पर, और फिर पूरा ब्रिक बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स क्या है स्पेस ब्रिक के? तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट तो है ये लूनर सॉइल सिमुलेंट जिसको हम LSS कहेंगे शॉर्ट में। उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इसरो की ईजाद है, उन्होंने पेटेंट किया है और वो डिटेल्स उनके साथ हैं, लेकिन ये हमारे पास हैं और हमारे क्लोज कोलैबोरेटर्स हैं इसरो। तो ये पहले तो हम लोग ये लूनर सॉइल सिमुलेंट लेते हैं जो आप समझ गए कि चंद्रमा की मिट्टी से बहुत मेलजोल खाती है, तो ये लेकिन महीन बालू के समान है। अब आपको इसको एक ईंट में बनाना है,
तो इस ईंट को बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जैसे हिंदी में हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं बैक्टीरिया को। और ये बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर बहुत ही प्राचीन काल से है। तो ऐसी कुछ बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं जो बालू जैसे चीजों को अटैच करके और बॉन्ड कर सकती हैं एक साथ। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्रिक्स को ग्रो करते हैं इन अ सर्टेन सेंस। तो लैब में हम बायोरिएक्टर बनाते हैं, बायोरिएक्टर में हम ये लूनर सॉयल सिमुलेंट डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया का खाद्य पदार्थ डालते हैं और पानी भी डालते हैं ऑब्वियसली। और इस चीज को एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में 7 से 10 दिनों के लिए रखा जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के एंड में बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस 7 से 10 दिनों में वो अलग अलग सैंड पार्टिकल्स को जाके एक साथ जोड़ देती है और लास्ट में आपका आ जाता है ये लूनर ब्रिक। तो शेप कैसी है इसकी, किस तरह का दिखता है ये? ये तो ये उस शेप की बनती है जिस शेप की हम लोग कास्ट डालते हैं। तो अभी तो जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर कास्ट, सिलिंड्रिकल कास्ट कुछ भी रख सकते हैं, बट हम एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने जो लाई है वो ये है कि वी कैन नाउ मशीन इट। तो अब लेथ पे डाल के अब हम लोग इसको अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कटिंग फोर्स, कटिंग टूल्स से इसको हम लोगों ने दिखाया है हमारी टीम ने, इसरो और आईएससी की टीम ने, कि इसको आप काट के आप कोई प्री डिफाइंड दूसरा शेप अगर बोलेंगे तो उसमें भी हम लोग काट के इसको बना सकते हैं। जनरली तो हमने ईंट जो है वो रेक्टेंगुलर ही देखी है, या पतली हो या स्क्वायर हो सकती है हाथ से हाथ ज्यादातर। तो सिलिंड्रिकल और इस तरह की शेप्स, क्या वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से आप इसकी शेप भी डिसाइड करते हैं? इस चीज पे अभी भी रिसर्च चल रहा है जी, कि जी, वो ईंटों का शेप क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने बस ये दिखाया है कि आप जो भी प्रेस्क्राइब्ड ईंट का शेप बोलेंगे हम वो या तो कास्ट करके या बाद में उसको कास्ट को फिर से मशीन करके हम बना सकते हैं। लेकिन इस बात पे अभी भी रिसर्च चल रही है कि चंद्रमा की ईंट दिखने में फाइनल दिखने में कैसी होनी चाहिए। जी, जब अब से कई वर्ष पहले, मुझे लगता है एक दशक पहले, हमने जब सुना कि चांद पर कॉलोनी बनेगी या चांद पर प्लॉट बिक रहे हैं, इस तरह की खबरें आई थी और बहुत एक्साइटमेंट था उस वक्त लोगों में कि ये कुछ बहुत नया है उनके लिए। और तब हम हंसकर यही बात करते थे कि अच्छा प्लॉट तो बिक जाएंगे, लोग खरीद भी लेंगे, भाई पैसा है लोगों के पास, लेकिन वहां घर कैसे बनाओगे, यहाँ से ईंटें लेकर जाओगे क्या? तो अब क्या हो रहा है, क्या यहाँ से ईंटें लेकर जाएंगे अगर आप लोग बना लेते हैं तो? नहीं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा रिसर्च इस बात से प्रेरित है कि वी शुड मेक एवरीथिंग इन सिटू। इन सिटू का मतलब है कि जहाँ जो आपका प्रयोगशाला है वहीं पे वो सामान उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ से ईंट वीट ले जाना बहुत महंगा है पृथ्वी से, आपको या तो चंद्रमा पे या मंगल, पॉसिबल होने पे, अगर पॉसिबल भी नहीं है और बहुत ही महंगा पड़ने वाला है क्योंकि आपको उस तरह से रॉकेट पे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आइडिया ये है कि आप जब वहां पहुंचे तो आप मिनिमल सामानों के साथ पहुंचे और फिर वहां की सामान, वहां पे जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है उससे ईंट बनाए। तो हम लोग ये रिसर्च इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब एस्ट्रोनॉट्स इंडिया से या किसी और देश से जाएं तो वो उन्हें सारी सामान लेके जाने की जरूरत ना पड़े, वो वहां पे भी उन्हें काफी सारी उपयुक्त सामान मिल सके। तो लूनर सॉयल तो वहां जाके मिल जाएंगे उन्हें, और ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं बायोरिएक्टर की, ये उन्हें ले जानी पड़ेगी यहाँ से, तो उन्हें काफी कम सामान लेके जाना पड़ेगा। ये ठीक है, आपने प्रोसेस आपने हमें समझाया अगर कि मतलब इसको कैसे बनाया जाता है। आपने कहा कि लूनर सॉइल 99.6% एक्यूरेट बना चुके हैं और इसमें बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस अगर आप एक बार में हमारे दर्शकों को बताएं और इसमें कितना समय लगता है एक ईंट को बनाने में, अगर मैं कहूँ तो क्या एक एक करके बनाते हैं आप ये ईंट? तो पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ फिर बताता हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने बनाया है अपने लैब में समथिंग कॉल्ड अ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक ऐसा, एक साधारण में आप समझे तो बस ऐसी एक डिवाइस है जिसमें बायोलॉजिकल चीजें और नॉन बायोलॉजिकल चीजें एक साथ यूज हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ब्रिक का शेप है, या तो सिलेंडर या रेक्टेंगल, उसमें हम लोग पहले तो ये बालू समेत सामान लूनर सॉयल सिमुलेंट डालते हैं। उसको डालने के बाद हम लोग उसमें थोड़ी पानी डालते हैं ताकि वो पूरी पानी के नीचे नॉर्मल वाटर। फिर उसके बाद फिर हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं और फिर बैक्टीरिया के कुछ खाद्य पदार्थ डालते हैं ताकि बैक्टीरिया उसमें जीवित रह सके। तो उसके लिए कार्बन सोर्स होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, और यूरिया किसी किसी इसमें यूरिया भी डालते हैं। तो आप ये पूरा एक बार डाल देने के बाद वी क्लोज द प्रोसेस
और क्लोज द डिवाइस. उसके बाद इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days, 7 to 10 दिन लगते हैं और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है. मतलब एक बार हम लोगों ने शुरू कर दिया ये, मतलब आपको मैं कैसा बताऊं कि आप जैसे प्रेशर कुकर में सब कुछ डाल के खिचड़ी बनाने के समय आप डाल देती हैं और बंद कर देती हैं, ये पूरा उसी तरह. एक बार हम लोगों ने उस बायो रिएक्टर में सब कुछ, ये LSS जो बालू है, चंद्रमा की बालू है और बैक्टीरिया है, पानी है, वो सब कुछ डाल दिया. उसके बाद हम लोग उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद 7 to 10 दिन लगते हैं और 7 to 10 दिन बाद बैक्टीरिया वो बालू के जो महीन कणों को एक साथ बाइंड करके एक ब्रिक बना चुका होता है. सो 7 days लेटर वी जस्ट ओपन इट और वो केक की तरह आपका बाहर आ जाता है. और फिर उसे उसका पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स भी है जो बहुत ही सिंपल नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बायो रिएक्टर में सब सामान डाल के आप 7 to 10 दिन वेट करें और उसके बाद आपको पूरा इससे हमने एक ईंट बनाई इससे हम एक ईंट बनाई अच्छा इससे हम एक ईंट बनाई लेकिन आप इस तरह से 500 बायो रिएक्टर एक साथ रख सकते हैं obviously. तो आप तो 7 to 10 दिन में आप बना ले. जी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायो रिएक्टर्स वी हैव. ओके, और कॉस्ट फैक्टर, अगर मैं इसका कॉस्ट फैक्टर समझना चाहूँ. कॉस्ट फैक्टर तो हम लोगों ने उतने अच्छे से अभी तक इसका नहीं किया है क्योंकि ये अभी भी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है. वी आर assuming कि क्योंकि we are going to use end of the day जो lunar soil है वो आपको नहीं ले जाना है, आपको बस bioreactor ले जाना है. तो वो क्योंकि अभी भी complete stage में नहीं है तो हम लोगों ने उसका cost analysis अभी तक नहीं किया. एक बार complete stage में आ जाए तो उसके बाद हम लोग करेंगे. जी, और इसमें क्या lunar environment का असर होगा? जैसे कि अगर मैं चांद की बात करूँ तो वहाँ की gravity तो 1/6 होती है जो हमारी gravity है, तो इस सब की वजह से भी तो दिक्कतें आएंगी. हम वैसे भी देखते हैं कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट भी हमारे जाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट यू नो भारहीनता की वजह से वो फ्लाई टाइप ही कर रहे होते हैं, वो कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाते. तो ऐसे में वहाँ पे बायो रिएक्टर रखना और उससे ब्रिक बनाना और ये सारी चीजें, इन पर आप लोगों ने ध्यान दिया? इस पर कुछ बात हुई, कुछ काम हो रहा है? हाँ, इस पे तो आप एकदम सही बोल रही हैं. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी भी शुरुआती दौर में है ये रिसर्च. तो हमें चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, ग्रेविटी कम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना है. तो इसका एक एक इसके कुछ पहलुओं पर हम लोगों ने काम शुरू किया, कुछ पहलुओं का हमें आइडिया है कि क्या करना होगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट कि ग्रेविटी 1/6 था, ये एक्चुअली हेल्पफुल होगी. इस हेल्पफुल इसीलिए होगी क्योंकि यू विल नीड, हम लोग का जो ब्रिक्स है उसका जो स्ट्रेंथ मापते हैं हम लोग उसको मेगा पास्कल्स में उसका मेजरमेंट होता है. तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ब्रिक इज राइट नाउ अराउंड 2.5 मेगा पास्कल, जो अर्थ के लिए लोअर लिमिट पे है. यू वॉन्ट स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स ऑन अर्थ, यू वॉन्ट एटलीस्ट 4-5 मेगा पास्कल्स फॉर कंस्ट्रक्शन. तो अर्थ के लिए अभी भी इसको इसका इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन क्योंकि मून पे ग्रेविटी 1/6 है तो आपका 2.5 मेगा पास्कल में भी अच्छे से काम हो जाए. तो वहां के लिए ब्रिक की स्ट्रेंथ ठीक है. ठीक है, हाँ. लेकिन अभी हमें बाकी जो आपने कहा जैसे एटमॉस्फेयर नहीं है एक्सेट्रा, उस पर अभी भी हमें रिसर्च करना बाकी है. अभी और हमें जी आप कंप्लीट करें. ये हमें पता है और अभी भी हम शुरुआती इसमें है, होपफुली ये एक लंबा सफर रहेगा. तो बिल्कुल, लेकिन और मेन बात होगी बैक्टीरिया की. आप कह रहे हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, उस पर तो सबसे, बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग, तो उस पर तो सबसे ज्यादा असर होगा ल्यूनर एनवायरमेंट का. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो अपना बिहेवियर या अपना तरीका मतलब बदल देंगे, पता नहीं वहां इस तरह से काम करें या ना करें जैसे यहाँ कर रहा है वो बैक्टीरिया. आपकी बात बिल्कुल सही है और इट इज नोन कि बैक्टीरिया जब स्पेस में जाता है तो अपनी बिहेवियर चेंज करता है. तो ये दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू वर्क ऑन, वी हैव नॉट डन इट, लेकिन इस पे रिसर्च करना होगा तो अब पृथ्वी पे नहीं कर सकते, तो एनीथिंग हैज टू बी डन इन अ सैटेलाइट और नेक्स्ट मिशंस, विल सी. हाँ, सो अगला फेज आप क्या देख रहे हैं? एक फेज मैं कहूंगी कि आपने अभी तक ये खत्म किया कि हाँ ठीक है बायो रिएक्टर में ये चीज बना सकते हैं, इसके जो पोस्ट प्रोसेसेस हैं बनने के बाद के, वो सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली है. व्हाट इज द नेक्स्ट फेज दैट यू विल बी वर्किंग ऑन या यू आर वर्किंग ऑन? तो द नेक्स्ट फेज में फ्यू ऑफ द थिंग्स इज वी वांट टू सब्जेक्ट दिस ब्रिक टू वैक्यूम.
एंड वेरी लो टेम्परेचर्स जो स्पेस में होते हैं, वी वॉन्ट टू सी कि उसका इफेक्ट क्या है. सो हम लोग स्टेप बाई स्टेप प्रोसीड करना चाहते हैं, एक एक कदम फिर एक कदम. तो जो नेक्स्ट कदम है वो होगा वैक्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना और वेदर द ब्रिक कैन सर्वाइव दैट. और अगर सर्वाइव करता है देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. जैसे आपने कहा कि जैसे माइक्रो ग्रेविटी में बैक्टीरिया ये सेम काम कर सकता है कि नहीं, उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है कि नहीं, वो सब देखना. सो दोज आर आवर नेक्स्ट स्टेप्स. इट हैज बीन 50 इयर्स दैट मैन हैज स्टेप्ड ऑन द मून, ऑलमोस्ट मोर देन 50 इयर्स. नाउ हाउ मेनी इयर्स मोर यू सी दैट वी कैन बिल्ड अ कॉलोनी ऑन मून? ये इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. लेकिन आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस. तो आई वुड से कि कंट्रीज लाइक यूएस विद देयर प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेसएक्स जैसे, वो लोग शायद सबसे जल्दी रेडी होंगे. अब वो कितने जल्दी रेडी होते हैं ये तो हमें देखना पड़ेगा, 10 साल या 20 साल. अभी भी कई वर्षों का फासला है उस गंतव्य पर पहुंचने का हम लोग के पास. लेकिन आई हैव अ फीलिंग दैट आई विल सी इट व्हाइल आई एम अलाइव. ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू यू. आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से आपके यहाँ आईआईएससी में और इसरो में साइंटिस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस सारे मिशन को अंजाम दे रहे हैं. तो इस पूरे रिसर्च में इसरो का कोलैबोरेशन बहुत की था. उनके हेल्प के बिना तो नहीं हो पाता. उन्होंने फंड भी किया हम लोगों को और दे हेल्प अस विद द लूनर सॉयल सिमुलेंट्स एक्सेट्रा आल्सो. एंड तो मेरे जो दोनों इसरो के कॉलीग हैं अर्जुन दे और मिस्टर वेणुगोपाल, उन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें. प्लस वी हैड अदर इसरो अदर आईएससी प्रोफेसर्स ऑल्सो जिन्होंने बहुत फैंटास्टिक हेल्प किया है एंड दे आर पार्ट ऑफ द टीम. जैसे प्रोफेसर कौशिक विश्वनाथन है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईएससी में. ही प्लेड अ की रोल इन सम ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बायो रिएक्टर. रश्मि दीक्षित है जो फर्स्ट ऑथर थी हमारे पेपर की और वो डीबीटी बायोकेयर फेलो भी है. तो शी इज ऑल्सो देयर. और दो पीएचडी स्टूडेंट भी थे नितिन और शरद, उन्होंने भी बहुत काम किया है इस पूरे चीजों में टू गेट अस टू दिस स्टेज. सो या दिस इज आवर टीम एंड विदाउट देम मैं तो नहीं कर पाता. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ टीम एफर्ट, दैट्स व्हाट वी बिलीव. और हम यही कोशिश करते हैं कि पूरी टीम साथ में मिलकर काम करे. आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप जल्द से जल्द इसमें और ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर सकें. धन्यवाद भैया जी. थैंक्स वेरी मच.